नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, आज का जो हमारा इस नेटवर्किंग के कोर्स के अंदर जो वीडियो है वो रहेगा डेटा और टेबल ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि किस तरह से जो हमारे नेटवर्किंग जो स्विच और राउटर्स हैं वो किस तरह से डेटा को हैंडल करते हैं डिलीवर करने के लिए। तो आज इसी विषय में इस वीडियो में हम पूरा एक जो है एग्जाम्पल के तौर पे देखने वाले हैं। तो चलिए अभी बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जो कि है बेस्ड ऑन टेबल ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे टेबल ट्रांसमिशन की, तो ये जो स्क्रीन आपके सामने है यहाँ पे हमारे स्विच भी हैं, यानी कि ये जो है हमारा स्विच है, ये हमारा राउटर है और ये हमारे तीन पीसी हैं जो एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। और ये टेबल को थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। SIP मतलब सोर्स आईपी एड्रेस और यहाँ पे DIP मतलब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, SM मतलब सोर्स मैक एड्रेस और DM मतलब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। सो दोस्तों, यहाँ पे ये जो चीज़ें देख रहे हैं ये है इस जो हमारा ये जो राउटर है उसका जो इन ये वाला पोर्ट इसके साथ कनेक्टेड है उसका जो है आईपी एड्रेस प्लस मैक एड्रेस, और सेम वे हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस मैक एड्रेस। तो अभी अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये सिस्टम को इस सिस्टम को जो है डेटा ट्रांसमिट करना है। अब यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करने के लिए तो जब भी हमारा, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जैसे ही हमारा जो नेटवर्क जो स्विच होता है वो होता है ऑन, तो वो क्या करता है सभी सिस्टम्स के आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस जो है वो स्टोर अपने पास कर लेता है। तो यहाँ पे ये सिस्टम जब इस सिस्टम को डेटा भेजना होता है तो हमने अगर OSI मॉडल आपको याद हो तो लेयर 2 और लेयर 3 जो है वो डेटा ट्रांसमिट में जो है मैक जो यूज़ में आता है। तो यहाँ पे ये सिस्टम का अगर ये टेबल की मैं बात करूँ तो जैसे ही ये डेटा यहाँ से सेंड करता है सिस्टम तो उसके पास तीन चीज़ होती हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट पूरी टोटल चार की होती है लेकिन उसके पास अवेलेबल जो हैं वो चीज़ें होती हैं तीन, यानी कि SIP सोर्स आईपी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, सोर्स का मैक यानी कि खुद का मैक एड्रेस होता है उसके पास, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस उसके पास नहीं होता है। क्योंकि डायरेक्टली जो स्विच है वो एक दूसरे का मैक एड्रेस शेयरिंग नहीं करता है, तो वो मैक एड्रेस क्या है अपने पास ही रखता है। तो जैसे ही अब क्योंकि ये पैकेट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये क्या करता है स्विच को पहले एक रिक्वेस्ट भेजता है। तो ये स्विच को रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे जो है इस आईपी एड्रेस का 10.10.1.2 जो है उस आईपी एड्रेस का जो है मैक एड्रेस चाहिए। तो ऐसे में क्या करता है ये स्विच क्या करता है, जैसे उसके पास रिक्वेस्ट आती है तो ये स्विच जो है अपने जितने भी और डिवाइस इसके पास कनेक्टेड हैं राउटर को रिक्वेस्ट इसलिए नहीं भेजता है क्योंकि उसको पता है कि इसका जो आईपी एड्रेस है वो गेटवे है, तो यानी कि बाहर जाने का रास्ता है, तो उसके पास जो है इंटरनल में यही दो और जो पीसी हैं वो कनेक्टेड हैं। तो वो क्या करता है वही सेम रिक्वेस्ट जो है वो इसको और इसको भेज देता है कि भैया अगर आपके पास है ये मैक एड्रेस, आप अगर ये आईपी एड्रेस आपका है तो मुझे मैक एड्रेस भेज दो। तो जैसे ही ये वापस रिक्वेस्ट इनके पास पहुंचती है, इन पीसी के पास पहुंचती है स्विच के थ्रू, तो ये पीसी क्या करते हैं उसको देखते हैं, अगर उनको लगता है कि ये रिक्वेस्ट हमारे लिए है तो वो क्या करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जिसके पीसी के पास नहीं होती है वो क्या करता है उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है। तो जिसके पास होती है वो जिसके लिए होता है जिसका आईपी एड्रेस जो है वो मैच कर जाता है वो सिस्टम समझ जाता है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो उसके लिए है, वो क्या करता है उस पैकेट के साथ वो जो एक्नॉलेजमेंट है उसके साथ अपना ये मैक एड्रेस जो है ऐड करके वापस स्विच को हैंड ओवर करता है। स्विच क्या करता है वापस उसको पता है कि ये रिक्वेस्ट मांगी किसने थी, पहले नंबर वाले ने, यानी कि 10.10.1.10 ने जो है ये रिक्वेस्ट करी थी कि मैक एड्रेस उसको चाहिए।
तो ऐसे में क्या करता है वो इस स्विच जो है उसको ये मैक एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करता है, तो उसके बाद जो है ये पैकेट यहाँ से स्विच के पास आता है, क्योंकि अब स्विच ने ही उसको पूरी लाइन करके दिया है क्लियर। तो स्विच क्या करता है उस डेटा को इस पीसी के पोर्ट के ऊपर में भेज देता है, और जैसे ही वो इस पीसी के पास पहुंचती है तो ये पीसी क्या करता है उसको आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये मेरा ही पैकेट है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। तो ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो ब्रॉडकास्टिंग जो इस पीसी ने पैकेट भेजने से पहले जो एक रिक्वेस्ट भेजी थी स्विच को, उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट, यानी कि वो जो पैकेट्स हैं वो करते हैं ब्रॉडकास्ट, क्योंकि वो एक रिक्वेस्ट आई स्विच के पास और स्विच ने उसको क्या किया, सभी पीसी जो उसके नेटवर्क में कनेक्टेड थे उन सबको वो रिक्वेस्ट भेजी, तो उन सब पीसी के पास में वो ब्रॉडकास्ट जो आया रिक्वेस्ट थी वो पहुंची, और जिसका वो डेटा था उसने उसको एक्नॉलेज कर दिया। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट करना। तो जैसे ही ये जो ब्रॉडकास्ट आएगा रिक्वेस्ट करता है स्विच से, स्विच को जैसे ही इसका मैक एड्रेस मिलता है, तो मैक एड्रेस मिलने के साथ ही वो क्या करता है इसको भेज देता है कि ये इसका मैक एड्रेस है। तो जैसे उसको मैक एड्रेस मिलता है कि हाँ ये जो जिसको भी वो डेटा पैकेट भेजना चाहता है वो उसको मिल चुका है, तो वैसे में ये जो टेबल ऊपर देख रहे हैं ये टेबल जो है अपडेट हो जाता है। ये टेबल में क्या है पैकेट के साथ अभी इसको डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस है वो भी मिल जाता है। तो जब ये पूरा टेबल जो है वो क्लियर हो जाता है, चारों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद ही जो डेटा जो एक से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है। तो ये तो हो गया लोकल, यानी कि लोकल एरिया के अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो किस तरह से होता है, ये एक था। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे लोकल जो सिस्टम के साथ जो है वो नहीं है, वो दूसरे में हमें जो है डेटा भेजना है। तो यही सेम यहाँ पे भी होनी चाहिए, चार रिक्वेस्ट पूरी, तो चारों के चारों इस टेबल में जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो उसके पास अवेलेबल हैं। वो अवेलेबल क्यों हैं, देखो प्रोसेस वही है जो पहले, इसको ये चारों रिक्वेस्ट अवेलेबल मिल गई हैं, तो क्योंकि मैंने वो जो सिस्टम आपको पीछे रिक्वेस्ट का बताया तो वो मैंने यहाँ पे बाईपास कर दिया। तो जैसे पिछला प्रोसेस था ये डेटा भेजने से पहले इसको भेजता है, अब स्विच देखता है कि ये जो आईपी एड्रेस है वो इस नेटवर्क का नहीं है, तो यानी कि वो इस नेटवर्क का नहीं है, तो उसको कहाँ भेजना है, गेटवे को भेजना है। तो जो कि गेटवे इसका क्या है 10.1.1.22255, तो ये इसका गेटवे है। तो अगर हम मैंने बीच में एक स्क्रीन भी स्लाइड में दिखाई थी जहाँ पे हमने आईपी एड्रेसेस वगैरह का देखा था, उसमें हम जो है जब हमारा आईपी एड्रेस किसी भी पीसी के साथ कॉन्फ़िगर होता है तो वहाँ पर जो है गेटवे भी जो है डाला जाता है, यानी कि पहला नंबर पे आईपी एड्रेस आता है, दूसरे नंबर पे सबनेट मास्क आता है, और तीसरे नंबर पे जो है हमारा गेटवे का आईपी एड्रेस आता है, तभी वो नेटवर्क जो है आप पूरा क्लियर कम्युनिकेट हो पाता है। तो ये रिक्वेस्ट जैसे ही उसकी इस पीसी ने इस स्विच को भेजी, तो स्विच ने क्या करा, वो पहले देखा कि ये आईपी एड्रेस जो है वो उसके सिस्टम में है कि नहीं, मतलब उसके लोकल टेबल में है कि नहीं, नहीं है, तो उसने क्या किया इनको नहीं भेजी वो रिक्वेस्ट, वो सीधी कहाँ भेज दी, गेटवे के पास भेज दी, गेटवे यानी कि राउटर के पास वो रिक्वेस्ट भेज दी कि ये डेटा जो है वो ट्रांसमिट करना है दूसरे नेटवर्क के अंदर। अब जो है यहाँ से यहाँ तक तो डेटा पहुँच गया, अब इसके बाद क्या है जो डेटा, अब डेटा यहाँ से इसका जो सोर्स मैक एड्रेस है वो तो ये था, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अभी यहाँ पे राउटर का हमारा जिस पोर्ट से वो ये नेटवर्क में कनेक्टेड है उस पोर्ट का मैक एड्रेस जो है वो यहाँ पे लग के वो इस राउटर के पास में डेटा पहुँच गया। अब यहाँ राउटर के पास डेटा पहुँचने के बाद राउटर ने क्या चेक किया कि भैया ये जो डेटा है वो जाना कहाँ है, तो उसने इस आईपी एड्रेस को देखा, तो
जैसे ये स्विच चालू होते से ही पूरे नेटवर्क का और मैक एड्रेस वगैरह अपने पास कलेक्ट करके टेबल में रख लेता है। वैसे ही हमने बात करी थी कि राउटिंग टेबल की भी बात करी थी, जो राउटिंग टेबल्स होते हैं वो किस तरह से पूरी लिस्ट जो है अपडेट रहती है। तो जैसे ही ये राउटर्स भी आपस में एक पूरे नेटवर्क के साथ जहाँ भी कनेक्टेड होते हैं तो उनके पास राउटिंग टेबल अपडेट हो जाते हैं। तो राउटिंग टेबल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जब कनेक्टिविटी बनी थी तो इस जो राउटर ने इस राउटर को बोला था कि भैया अगर तुम्हारे पास 30.1.1.1 की नेटवर्क की जो रिक्वेस्ट आए तो वो आप मेरे को ट्रांसमिट कर देना। तो जैसे ही यहाँ पे उसको ये चीज़ मिली, डेटा मिला था वहाँ से इस पोर्ट के ऊपर, तो उसने क्या किया, उसके अंदर अपना सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अपडेट किया। तो अपडेट करके तो सोर्स यहाँ पे अभी मैक एड्रेस कौन सा हो गया, हमारे जो ये मेन राउटर था उसके आउटपुट का जो पोर्ट का मैक एड्रेस था वो अपडेट हो गया, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो हो गया ये जो दूसरा राउटर है उसका जो पोर्ट का रिसीविंग पोर्ट का जो मैक एड्रेस है उसका मैक एड्रेस इसने अपडेट करा और जो डेटा है यहाँ से इस राउटर को ट्रांसमिट कर दिया। अब आगे देखें तो अब ये जब इस राउटर के पास में आ गई वो रिक्वेस्ट, तो ये राउटर ने क्या किया, उसने देखा कि भैया ये आईपी एड्रेस कौन सा है, तो उसने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके उसने वापस उस टेबल का सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अपडेट करा। तो सोर्स मैक एड्रेस इस राउटर का आउटपुट जो पोर्ट का मैक एड्रेस है DDDD, और वहीं डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो ये पीसी का मैक एड्रेस है वो किया और करके उसको जो है पैकेट सामने ट्रांसमिट कर दिया। सो ये था कुछ तरीके जिसके थ्रू जो है हमारा नेटवर्क जो है, हमारे जो नेटवर्क डिवाइस जो हैं यानी कि स्विच और राउटर जो हैं वो डेटा को इस तरह से जो है आपस में कम्युनिकेट करके डेटा को ट्रांसमिट करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक। जहाँ पे हमारा जो आईपी टेबल है वो तो अपडेट नहीं होता है, वो एंड टू एंड रहता है, और लेकिन वहीं पे हमारा जो दूसरा टेबल है मैक एड्रेस वाला वो कंटिन्यू अपडेट होते चलता है ताकि पता चले कि डेटा कहाँ से कहाँ जाना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई भी क्वेरी रह गई है तो कमेंट करके मुझसे पूछें, तो डेफिनेटली आपके कमेंट का मैं जवाब दूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल वीडियोज़ हम लेके आते रहते हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। सो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।